बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है, वेलकम है सभी का। ही बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में, क्या अपडेट्स निकल के आई है शिबा की दोस्तों, वही बताएंगे। और एक रूस को लेके एक बड़ी न्यूज निकल के आई है क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो भी इम्पैक्ट कर सकती है, उसके बारे में भी बताएंगे। और मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है, पूरी की पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है वीडियो के साथ, एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट कैप की अगर बात करें तो 78.26 ट्रिलियन हो चुका है मार्केट कैप, लगभग 1-1.5% के आसपास डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 24 आवर्स के अंदर। और बीटीसी की अगर बात करें तो ये इसमें भी डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है, 16,14,000 प्राइस आ चुका है, लगभग 2.25% के आसपास डाउनफॉल इसके अंदर भी देखने को है। चलते हैं शिबा का क्या प्राइस है वो भी जान लें। 0.3091 प्राइस चल रहा है, रैंक 14 है, और 0.5% के आसपास शिबा के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों ग्राफ की बात करें तो काफ़ी ऊपर तक आने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से शिबा के अंदर डंप ही देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी दोस्तों डाउन जा चुकी है, 16.70% ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन जा चुकी है शिबा की। अब चलते हैं दोस्तों, क्या न्यूज निकल के आई है उसके बारे में जान लें। रूस को लगा झटका, क्रिप्टो पेमेंट्स पर ईयू ने लगाया बैन। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाली ये न्यूज भी, एक नेगेटिव न्यूज मान सकते हैं। पिछले महीने रूस के डिप्टी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा था कि सेंट्रल बैंक ने देश के लोगों को क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर विदेश से पेमेंट लेने और भेजने की अनुमति पर सहमति दी थी। पिछले कई महीनों से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण बहुत से देशों पर असर पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस पर बहुत से देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय यूनियन ईयू ने भी कड़ी में रूस से जुड़ी सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। ईयू की ओर से की गई एक पोस्ट में बताया गया कि क्रिप्टो एसेट्स पर मौजूदा विदेशों को कड़ा किया गया है, और रूस से जुड़े सभी क्रिप्टो वॉलेट्स, अकाउंट्स और कस्टडी सर्विसेज पर बैन लगाया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये न्यूज भी इम्पैक्ट करती है क्रिप्टो करेंसी में दबाव बनने का। तो जो आज तो आपको पता ही है 2-2.5% बीटीसी कॉइन डाउनफॉल के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों शिबा के प्राइस प्रेडिक्शन की, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म की अगर कंडीशन में हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, शिबा के अंदर कोई बड़ा डंप नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि आपको पता ही है शिबा ने जो बर्निंग बढ़ा देता है, शिबा जैसे ही कुछ चांसेज होते हैं शिबा के अंदर रेट नीचे जाने के, तो उतनी ही बर्निंग की स्पीड तेज़ हो जाती है। तो ज़्यादा इम्पैक्ट शिबा के प्राइज पे नहीं देखने को मिल रहा है, एक तरीके से स्टेबल कॉइन इसको कह सकते हैं। और नेक्स्ट बेबी डोज किलर के नाम से तो शिबा जाना ही जाता है। हो सकता है दोस्तों इस साल आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है शिबा इन कॉइन, बने रहे इसके साथ। कोई भी अपडेट निकल के आएगी शिबा की, सबसे पहले मेरे को चैनल पर उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।